असलम फ्रेंड वेलकम टू माई YouTube चैनल नेम इज़ जमीर अली उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप एक और एक्टिविटी को कॉल कर सकते हो यूजिंग दी बटन क्लिक के बटन क्लिक पे हम किस तरह से एक और एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं मीन्स के एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे हम किस तरह से जा सकते हैं तो ये उसी सेशन का पार्ट uh, टू ही होगा मीन्स के मैं उसी सेशन को कंटिन्यू करूँगा लेकिन लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ बटन के क्लिक पे दूसरी एक्टिविटी पे स्विच हो रहे थे अब सपोज़ करें मैं सिर्फ स्विच होना नहीं चाह रहा मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे डेटा भी किस तरह से सेंड कर सकता हूँ तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ सेंड डेटा वैल्यू फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर कि एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी में किस तरह से डेटा सेंड कर सकते हैं और इस सेशन में जो होगा वो ये होगा कि हम एक टैक्स फील्ड बनाएंगे एक एडिट टैक्स बनाएंगे और उस एडिट टैक्स में हम क्या करेंगे कि जो भी यूज़र वैल्यू देगा हम जो भी वैल्यू देंगे और बटन पे जब क्लिक करेंगे तो गिवन वैल्यू जो है वो दूसरी एक्टिविटी पे शो होगी मीन्स के दूसरी एक्टिविटी पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी तो सबसे पहले हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पर आना है एंड्रॉयड स्टूडियो पे आने से पहले ये प्रीवियस सेशन का जो है वो कोड है कि हमने लास्ट सेशन में काम किया था और लास्ट सेशन में हमने एक बटन बनाया था और इस बटन के क्लिक पे हम क्या कर रहे थे इस एक्टिविटी को कॉल कर रहे थे मीन के दूसरी एक्टिविटी को कॉल कर रहे थे तो आज हम सिर्फ एक्टिविटी को कॉल नहीं बल्कि यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू भी देंगे जो टैक्स फील्ड में वैल्यू होंगी और उस टैक्स फील्ड की जो वैल्यू है वो दूसरी एक्टिविटी पे हम कॉल करेंगे तो पहले हम चेक कर लेते कि प्रीवियस सेशन में हमने क्या काम किया था कि बटन के क्लिक पे क्लिक किया तो ये दूसरी एक्टिविटी कॉल हो रही थी वेलकम टू सेकंड एक्टिविटी ठीक अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पे जो है पहले तो हमने एडिट टैक्स बनानी है और यहाँ पे मैच पेरेंट कर देता हूँ रेप कंटेंट कर देता हूँ और सेल्फ क्लोज टैग उसके बाद यहाँ पे टॉप से मैं थोड़ा सा मार्जिन कर देता हूँ फोर्टी या थर्टी डी बी देन टैक्स यहाँ पे मैं हिंट में शो करना चाह रहा हूँ कि इंटर यूर फुल नेम टेक्स साइज में यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ थर्टी डी ठीक है अब इस टेक्स फील में हम जो वैल्यू देंगे वो क्या होगी वो पहले बैकेंड पे गेट होगी बैकेंड पे गेट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी पे वो वाली वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी तो गेट करने के लिए हमने आई को डिफाइन करना है और आई में यहाँ पे दे रहा हूँ एफ़ नेम मीन्स के फुल नेम ठीक है ये बटन ऑलरेडी हमने डिक्लियर किया था अब मैं आ जाता हूँ बैकएंड पे यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है जो है एफ़ नेम उसके बाद यहाँ पे जो है उस टैक्स फील को गेट करना है एफ नेम फाइंड बाय आईडी डी आर डोट आई डॉट एफ नेम अब ये लास्ट टाइम हमने बटन के क्लिक पे सिंपल क्या किया था इंटर्न का यूज़ किया था और इंटर्न के ज़रिए हम क्या कर रहे थे ये सेकेंड एक्टिविटी को कॉल कर रहे थे लेकिन अब इस केस में ये होगा कि सेकेंड एक्टिविटी को कॉल करने से पहले मीनस के कॉल करने के दौरान हम क्या करेंगे वैल्यू भी सेंड करेंगे तो यहाँ पे एक मेरे जो सिर्फ फंक्शन यूज़ करना है वो फंक्शन क्या है आ, इंटर्न डॉट पुट एक्स्ट्रा अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा में आपको दो पैरामीटर पास करने हैं एक स्ट्रिंग नेम मीन्स के कीवर्ड जो हो गया और उनकी वैल्यू ताकि कीवर्ड वो है कि जो हम एक और एक्टिविटी पे वहाँ पे गेट करेंगे तो इस सिंपल में कीवर्ड दे रहा हूँ कि गेट एफ नेम उसके बाद आ, अब यहाँ पे वैल्यू देनी है तो वैल्यू मैंने कौन सी देनी है वैल्यू मैंने देनी है कि जो टैक्स फील की वैल्यू हो तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एफ नेम डॉट गेट टैक्स टू स्ट्रिंग एफ नेम डॉट गेट टू स्ट्रिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाए स्ट्रिंग एफ फुल नेम उसके बाद इस वेरिएबल को आप क्या कर दें ये टैक्स फील गेट करके इसको असाइन कर दें और बाद में ये वाला वेरिएबल आप यहाँ पे पास कर दें आप ये भी कर सकते हो लेकिन मैंने डायरेक्ट जो है वो मेथड इम्प्लीमेंट किया था लेकिन दोनों सेम ही हैं कि टैक्स फील की वैल्यू यहाँ पे गेट होगी और गेट होने के बाद इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को असाइन होने के बाद हम क्या करें वो वैल्यू सेट कर रहे हैं कहाँ पर एक्स्ट्रा वाले फंक्शन में और ये कीवर्ड है ये वो कीवर्ड है जो हम दूसरी एक्टिविटी पे इस कीवर्ड को कॉल करेंगे तो ये वाली वैल्यू गेट हो जाएगी तो दूसरी एक्टिविटी पे आ जाते हैं ये सेकंड डॉट जावा के नाम से जो है अब सबसे पहले मैंने क्या करना है मैंने यहाँ पे जो है क्योंकि इस वाली एक्टिविटी में एक लेबल है टैक्स व्यू है इसकी आईडी भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि इस पर मैं वैल्यू सेट कर सकूँ आई सेट वैल्यू सेट वैल्यू ठीक यहाँ पे इस वाले लेवल पे मैंने जो है एक आईडी डिफाइन की है ताकि मैं जो वैल्यू सेट करूँगा जो दूसरी एक्टिविटी भी आ रही है तो यहाँ पे मैं सिर्फ सेट कर दूँगा सेट टैक्स तो यहाँ पे टैक्स व्यू टी एक्स टी उसके बाद फाइंड टी एक्स टी फाइन बाई आर डॉट आई डी डॉट सेट वैल्यू डॉट सेट वैल्यू ठीक अब हमने दूसरी एक्टिविटी की वैल्यू गेट करनी है इस वाली एक्टिविटी से हमने वैल्यू गेट करनी है सेकेंड एक्टिविटी पे सेकेंड एक्टिविटी पे हमने वैल्यू गेट करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटर्न उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंटर्न के नाम से जो भी आप जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाना चाहे बना सकते हैं गेट इंटर्न अब हम गेट कर रहे हैं उसके बाद इंटर्न डॉट गेट एक्स्ट्रा ठीक है गेट एक्स्ट्रा अब हम सेट नहीं करें अब हम गेट एक्स्ट्रा कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करेंगे गेट एक्स्ट्रा नहीं है गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के नाम से होगी गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा क्योंकि इसमें एक पैरामीटर है और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल ये वाला कीवर्ड ये वाला कीवर्ड हम कॉल करेंगे मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया ठीक अब ये वैल्यू वहाँ पे सपोज़ करें यहाँ पे इस फुल नेम में मैंने जमीर अली दिया है या साहिल अमन दिया है तो वो क्या हो गे? वो इस कीवर्ड में स्टोर हो जाएंगे और इस कीवर्ड के ज़रिए मैंने क्या किया है गेट किया है अब गेट करके किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग एफ़ नेम असाइन करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाली टेक्स्ट फील है उस पर सेट हो जाए तो सेट करने के लिए हम क्या करते हैं टी एक्स टी टी एक्स टी डॉट सेट टैक्स और नेम एफ नेम ठीक इस वाली एक्टिविटी पे इस वाली एक्टिविटी पे जो ये वैल्यू है ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं ठीक है मैं ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू को सेट करना है पहले हम आउटपुट देख लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब ये डिटेल में कि ये किस तरह से हो रहा है जब आउटपुट हमें चीज़ आउटपुट जब क्लियर होगा तब ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि जब तक हमने फंक्शनलिटी नहीं देखी तब तक वो चीज़ें मे भी जो है वो कन्फ्ले करें तो सिंपल यहाँ पे एक टेक्सफील है और एक बटन है अब टेक्स फील्ड में मैं यहां पे दे रहा हूँ जमीर अली जमीर अली अब इस बटन पे पहले हम क्या कर रहे थे बटन के क्लिक पे सिर्फ एक एक्टिविटी को कॉल कर रहे थे लेकिन अब जा रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है दूसरी एक्टिविटी पे पास हो जाए तो क्लिक किया चेक करते हैं सी नेम जमीर अली नेम जमीर अली मीन्स के दूसरी एक्टिविटी पे जाकर वो वाली वैल्यू सेट हो रही है दूसरी एक्टिविटी पे वो वाली वैल्यू सेट हो रही है तो यहाँ पे हम कर देते हैं वेलकम ऑन सेकेंड एक्टिविटी उसके बाद स्लैश एंड मीन्स के न्यू लाइन स्लेशन Given name, नेम name नेम अब जो भी हम नाम देंगे वो यहाँ पे शो होगी तो हो क्या रहा है पहले हम सिंपल उस एक्टिविटी को कॉल कर रहे थे लेकिन हम पुट एक्स्ट्रा के थ्रू क्या कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं एक एक्टिविटी को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को और मेथड क्या है कि कोई वैल्यू दूसरी एक्टिविटी पे सेंड करनी हो वो ये मेथड है अब एक से ज़्यादा अगर आपने वैल्यू सेंड करनी है तो आप क्या करेंगे इंटरन को यूज करेंगे और बाद में पुट एक्स्ट्रा और वही तरीका होगा ठीक है तो वही तरीका होगा बाद में उन वेरिएबल के जरिए आप वैल्यू गेट करेंगे तो अब चेक करते यहाँ पे मैं कर देता हूँ साहिल अहमद साहिल अहमद और अब क्लिक करते वेलकम ऑन सेकेंड की स्पेलिंग मिस्टेक है गलत हो गया वेलकम ऑन सेकेंड एक्टिविटी गिवन नेम साइलेमन गिवन नेम साइलेमन तो आई होप कि ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को वैल्यू सेंड कर सकते हैं